नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत यादव और आज हम बात करेंगे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने की एक बड़ी पावरफुल प्रैक्टिकल टेक्निक। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। तो दोस्तों, सवाल यह है कि हम क्रिएटिव आइडियाज क्यों नहीं सोच पाते, क्यों बार बार हम वही घिसे पिटे पुराने आइडियाज ही निकाल रहे होते हैं जो हर आदमी सोच रहा होता है। और जब आप वही करेंगे जो हर आदमी कर रहा है, जो सब कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स भी बिलो एवरेज और मीडियोकर होंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सबसे ज्यादा समय आपने अभी तक किस सिस्टम में बिताया है? सोचिए, सिंपल आंसर है अपने स्कूल और कॉलेज में। करीब 15-20 साल आपने बिताए होते हैं। और स्कूल और कॉलेज में जब मैडम सवाल पूछती हैं तो क्या होता है, जो बच्चा सबसे पहले हाथ उठाता है मैडम उसको आंसर करने के लिए बुलाती हैं, वो आंसर देता है, मैडम उसे शाबाशी देती हैं और स्टार्स देती हैं। हम सब प्रोग्राम हो जाते हैं सबसे पहले आंसर देने के लिए, जैसे कोई रेस चल रही है, जो सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचेगा वो जीतेगा। पर दोस्तों, जिंदगी के खेल में सबसे पहले आंसर देने वाले को स्टार्स नहीं मिलते, जिंदगी के खेल में स्टार्स मिलते हैं सही आंसर देने वाले को, और हम उसके लिए तैयार नहीं होते। हमारी 15-20 साल की ट्रेनिंग होती है सबसे पहले जवाब देने की, तुरंत आंसर करना है। और क्योंकि स्कूल के सवालों का एक ही सही जवाब होता है, इसलिए जहां हमें पहला आंसर मिला हम शांत बैठ जाते हैं और नए आंसर्स की खोज बंद कर देते हैं। हमारा दिमाग जल्दी से जल्दी आंसर खोजने के लिए, और फिर जैसे ही पहला आंसर मिले अपनी सफलता और स्मार्टनेस पर खुश होने के लिए और प्राउड फील करने के लिए प्रोग्राम्ड हो जाता है। और यहाँ हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाते हैं, एक तो ये कि जिंदगी सबसे पहले आंसर देने वाले को नहीं, सही आंसर देने वाले को रिवॉर्ड करती है, और दूसरी चीज़ ये कि जिंदगी के सवालों का एक ही सही जवाब नहीं होता। लाइफ की मैथमेटिक्स में 2+2 हमेशा 4 नहीं होगा, कई जवाब होते हैं, एक ही चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं, एक ही समस्या को हल करने के कई ऑप्शंस होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ उतने अच्छे नहीं होते। और 15-20 साल स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में ट्रेन होने के बाद हम जिंदगी में इसीलिए फंस जाते हैं, अपनी सबसे पहले आंसर करने की टेंडेंसी की वजह से, और पहले आंसर को सही मानकर नए आंसर्स की खोज को छोड़ देने की टेंडेंसी की वजह से। अब करें क्या, सिंपल है, जो पहला आंसर आपके दिमाग में आए उसे डिस्कार्ड कर दीजिए और ऑप्शंस खोजिए, दूसरे और तीसरे आंसर को भी निकाल करके फेंक दीजिए। दुनिया भर वैसे ही सोच रही है, उसमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके लिए नहीं है। आंसर्स की खोज जारी रखिए, अपने दिमाग में उस सवाल को रखिए, आंसर्स को ढूंढना, नए ऑप्शंस को खोजना बंद मत करिए। आपका सबकॉन्शियस आपको अच्छे आइडियाज देगा, जितना हमें लगता है ऑप्शंस हमेशा हमारे सामने उससे ज़्यादा होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो, करियर की प्रॉब्लम्स हो, फैमिली इश्यूज हो या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, जितने आपको लगते हैं कि ऑप्शंस हैं, एक्चुअल में ऑप्शंस हमेशा उससे ज़्यादा होते हैं। और जब आप उस सवाल को अपने दिमाग में रोक कर रखते हैं तो आपका दिमाग नए ऑप्शंस खोजता है, नए कनेक्शंस बिठाता है, नए आंसर्स लेकर के आता है। आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आंसर को भी फेंक दीजिए, जब आप 7वें या 8वें आंसर पर पहुंचेंगे तब आप जानिए कि आपने कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचा है जहां हर आदमी नहीं पहुंच रहा, और तब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कुछ नज़दीक होंगे। ये आसान नहीं होगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इसकी उल्टी है, आपको अपने आप को रीट्रेन करना होगा, टाइम लगेगा इसमें, आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा एटलीस्ट शुरू शुरू में कि पहला आंसर डिस्कार्ड कर दें, सवाल के बारे में सोचते रहें, उस सवाल को दिमाग में बैठाए रखें कि कैसे और तरीकों से इस समस्या को हल किया जा सकता है, और दूसरे, तीसरे, 5वें आंसर को भी डिस्कार्ड कर दें। 7वें 8वें आंसर पर जब आप पहुंचेंगे तब आप जानिए कि ये एक अच्छा थॉट है। तो दोस्तों, ये थी क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने की एक बड़ी प्रैक्टिकल टेक्निक। पहले 5-6 आंसर्स को डिस्कार्ड कर दें, रद्दी में डाल दें, और सवाल को दिमाग में रोक कर रखें, आंसर्स की खोज जारी रखें, उस काम को करने के और तरीकों की खोज जारी रखें। यूज़ करिए ये टेक्निक और अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट्स में बताइए। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मैं हूँ आपका होस्ट प्रशांत यादव। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट और लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए। जल्दी ही मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।